week 28 of pregnancy. Very important landmark. 2/3 of pregnancy journey चली गई, अब लास्ट का 1/3 रह गया. और ये लास्ट का 1/3 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पे यू हैव रियली गॉट टू प्रिपेयर दैट येस नाउ माई एंजल इज़ कमिंग टू मी वेरी सून. एंड ये जो टाइम पीरियड होता है लास्ट ट्राइमेस्टर का, ये एक्चुअली बहुत रैपिड ग्रोथ का होता है. इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल रियलाइज दैट हाउ फास्ट योर बेबी इज़ ग्रोइंग. अभी एक एक हफ्ते में भी, जैसे उस टाइम पे जस्ट अबाउट 2 pounds था, अभी नियरली अराउंड 2.5 pounds हो जाता है. थोड़ी टॉल भी ज़्यादा हो जाता है, लेंथ में भी फ़र्क आता है, साइज़ कभी बैक एवेज, कभी बड़ा लेटर्स, ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं. बट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, बिकॉज बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं. योर बेबी कैन हैव ± लिटिल वेट, दैट्स ओके, डोंट गेट वरीड कि मेरी फ्रेंड का तो 28 वीक्स पे इतना वेट था बेबी का, मेरा तो बस इतना ही है, दैट्स फाइन. इट्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल. जस्ट मेक श्योर that your connection with your beautiful baby is very very nice, very very divine, and आप उसको अच्छी एनर्जी देते रहिए, वो बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा, क्योंकि ग्रो उसे नेचर करा रही है, आपकी हेल्दी डाइट करा रही है, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ करा रही है, आपके रिश्तों की मेहनत और हार्मनी करा रही है. तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दो, वो ग्रो करेगा और बहुत रैपिडली ग्रो करना शुरू करेगा अभी, जब तक वो डिलीवर नहीं होता, क्योंकि इस समय पे उसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं. वो एडल्ट जैसा होने लगा है. अभी क्या करता है वो, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हिकअप्स आपको ज़रूर फील होंगे बेबी के, और इस टाइम पे तो कईयों को इतने होते हैं कि अगर एब्डोमिनल स्किन इज़ थिन, सो वो एब्डोमिन से भी हिकअप्स उसके फील होते हैं ऐसे. वो इसलिए क्योंकि अब बेबी अपनी कुछ ब्रीदिंग मूवमेंट्स को एक्चुअली एक्सपीरियंस करने भी लगता है. तो जैसे जैसे वो ब्रीदिंग की करने की फॉर्मेट में आता है, तो उसके डायफ्राम से वो निकलते हैं और उसको हिकअप्स होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको सब कुछ अंदर ही लर्न करना है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस समय होती है, उसकी स्लीप साइकिल बहुत डेवलप होती है. आवर रिसर्च ऑन बेबीज़ हैव शोन दैट व्हेन वी टेक द MRI एंसेफेलोग्राम्स ऑफ बेबीज़ एट दिस टाइम, उनकी स्लीप साइकिल में उनकी रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, जिसको हम ड्रीमिंग फेज ऑफ स्लीप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है. तो ये वाली जो इवन हमारे में भी ड्रीमिंग फेज ऑफ स्लीप जो है वो इनिशियल होती है. तो पहले एक REM स्लीप होती है, फिर एक नॉन REM स्लीप होती है. तो REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. तो पहले बेबी की ये डेवलप होती है और वो ड्रीमिंग फेज होता है. तो आपके बेबी को बड़े प्यारे प्यारे ड्रीम्स आ रहे हैं. आपकी एक लिटिल एंजल पिंक में फेरी की तरह बन के पार्क में डांस कर रही है, या आपका एक टॉम बॉय अच्छे से कुछ पहन कर स्मार्ट सा बनकर कुछ कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है. आप सोचिए, आप भी ड्रीम करिए, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ ड्रीम कर रहा है इस वक्त. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो स्लीप साइकिल है, ये होने से हमें समझ आता है कि बेबी अब हमारे जैसा बन रहा है. तो आप अपनी स्लीप साइकिल्स पे भी ध्यान दीजिए. आप उसको बताओ, दिस इज़ मॉर्निंग, दिस इज़ नाइट. प्रॉबेबली आपको कम जागना पड़ेगा. इस टाइम पे उसको समझ आने लगती है कि व्हाट इज़ स्लीप. बट बिकॉज ऑफ योर डेली कोर्स, उसकी वो ड्रीमिंग और स्लीप भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, एंड वो यूज टू हो जाएगा उसके. बट उसकी बॉडी एक अडेप्टेशन में ऑलरेडी एडल्ट लाइफ के घुसने लग गई है. जैसे हमने बताया था कि बहुत सारे फ्लेवर्स को एक्चुअली टेस्ट कर रहा है बेबी इस वक्त. तो वो कंटिन्यूटी है और वो एनहेंस्ड ही है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे करके हमारे जैसा बनने बिल्कुल लग गया है. और इसीलिए उसका वेट भी बढ़ने लगता है, इसीलिए अब उसकी फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड होने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा क्लियरली हमारे जैसी हरकतें भी करनी शुरू कर देगा. तो आप अपना कनेक्शन जब आप उससे इस समय पे बनाना शुरू करेंगे, तो बेबी इज़ गोइंग टू रिएक्ट टू यू. उसके हिकअप्स आप फील करोगे, अपनी बॉडी के जो चेंजेस हैं उनको भी आप एम्ब्रेस करोगे, और आपको पता लगेगा कि कितना वो कनेक्टिव और कितना वो रिएक्ट कर रहा है. तो उसको वो टाइम दो तो वो करेगा. अपनी आईज़ वो ब्लिंक करता है इस वक्त, बहुत अच्छे से करता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उसके जो रिफ्लेक्सेस है थम सकिंग के, टंग बाहर माउथ से निकालने के, वो भी वो ज़्यादा करता है, क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है अब फ्लूइड को. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने फीटल अल्ट्रासोनोग्राफी जो हाई एंड करते हैं स्टडीज़ के लिए, उसमें भी देखी है. अब आपकी बॉडी में क्या हो रहा है इस वक्त, थोड़े थोड़े चेंजेस और ज़्यादा मार्क्ड हो जाएंगे। हमने स्वेलिंग की ऑलरेडी बात की थी। द नेक्स्ट थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि बेबी अपनी थोड़ी पोजीशन भी कभी कभी लेना शुरू कर देता है, इट इज़ गोइंग टू टेक दिस नेक्स्ट 4 वीक्स टू फाइनली गो इनटू द पेल्विस, बट स्टिल वो नियरेस्ट एग्जिट पे अपने हेड को फ्लेक्स करके रखता है, ऐसे करके रखता है, तो ये चीज़ उसको पता होती है। तो जब वो नीचे ऐसे आता है तो आपका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, वो बोन जो ऐसे आपकी बिल्कुल सब सुप्रा प्यूबिक एरिया, यूरिनरी ब्लैडर वाले एरिया पे होती है, उसको और ढीला होना पड़ता है। रिलैक्सिन हार्मोन उसको ढीला कर देता है, तो उसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन। तो थोड़ी दर्द होती है वहाँ। तो क्या हुआ, आपको पता है आपका बेबी अंदर जा रहा है इसलिए हो रही है। ऐसे ही जब हमें समझ आ जाती है तो हमें बहुत क्लियरली उसको एक्सेप्ट करना ईजी हो जाता है। एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्वेलिंग बढ़ गई तो ब्लीडिंग गम्स बढ़ गई, स्वेलिंग बढ़ गई तो स्टफी नोज़ बढ़ गया। ये सब चीज़ों को हमें समझ आ जाएगी तो हम उसको कर लेंगे क्लियर, क्योंकि नोज़ के लिए कभी नोज़ ब्लीड होता है तो आप उसको हाइड्रेट करिए अपने नोज़ को। आप कोई भी नेज़ो क्लियर या सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स बहुत यूज़ कर सकते हैं सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लीडिंग गम्स में मैंने सबको बोला है कि एक डेंटिस्ट की ज़रूर ओपिनियन लीजिए, बिकॉज़ वो आपको बहुत अच्छा फीलिंग कराएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे आप, अपनी विटामिन्स ध्यान से खाएंगे, अपनी डाइट के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, योगा और मेडिटेशन से आप अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक्स बनाएंगे, बॉन्डिंग टेक्निक्स जो बेबी के साथ हैं उनको और रिफ़ाइन करेंगे, माइंड की थॉट्स को ईजी करते जाएंगे, तो आपकी बेबी की ग्रोथ इमोशनल और फिज़िकल बहुत ब्यूटीफुली होगी और आप अपने बेबी को बहुत प्यार से लेकर आएंगे। 28 वीक्स पे कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी हम करते हैं, आपकी शुगर्स को रीवैल्यूएट करते हैं, एक बार यूरिन रूटीन और कल्चर है वो भी देखते हैं, बिकॉज यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इस टाइम पे प्रेशर बहुत है, आपकी मेजर वेसल्स पे भी है, आपके ब्लैडर पे भी है, पेशाब की थैली भी कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है, बिकॉज इतना बड़ा हेड या यूट्रस उसके ऊपर प्रेशर डालता है, तो इसलिए यूरिन इन्फेक्शन भी कॉमन होती है। कभी कभी फेंटिंग, लाइट हेडेडनेस लगती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो नीचे से आपकी लेग्स से और आपके पेल्विस एरिया से जब हार्ट में जाके फिर ब्रेन में जाता है तो उसमें थोड़ा सा स्लैग आ जाता है, तो कभी कभी थोड़ा चक्कर आ जाता है जैसे शुरू फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आया था। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, क्योंकि आपका बेबी आ रहा है और वो बढ़ भी रहा है, तो आप सब कुछ बहुत बहुत नाइसली समझकर अपनी बॉडी और माइंड को सेटल करते हैं उसमें, क्योंकि आप एक वर्च्यू बेबी के पेरेंट हैं और वो आपको बहुत एनर्जाइज कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से आप अपनी इस जर्नी को और पीसफुल और हैप्पी बना सकते हैं।